नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका एहसास लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं से हो रहा है। सर्वाधिक गौरतलब बात पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का देश को आगाह करना है। नारायणन ने कहा है कि कश्मीर में हिंसा की लहरें आती रही है। 1980 के दशक से ऐसी कम से कम 4 लहरें आई है। नारायणन ने चेताया है कि अब 5वीं लहर आने के संकेत मिल रहे हैं। एमके नारायणन ने लिखा है कि पिछले कुछ महीनों से कश्मीर से आई खबरें अति गंभीर चिंता पैदा करती है, लेकिन अलग अलग कारणों से दिल्ली और श्रीनगर स्थिति की गंभीरता को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकार इस उम्मीद में यदि बैठे हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी तो वे महंगी भूल करेंगे। हकीकत है कि कश्मीर घाटी में हिंसक घटनाएं बढ़ रही है। 3 साल बाद मई में श्रीनगर में आतंकी घटना हुई। पूरी घाटी में उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने के संकेत है। उग्रवादियों और सुरक्षा कर्मियों में मुठभेड़ की खबरें आती रहती है। कईयों का मानना है कि सीमा पार से आए आतंकवादियों को फिर घाटी में पनाह मिलने लगी। प्रदेश की महबूबा सरकार को उग्रवादी बात बेबात घेर कर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे घाटी में असंतोष फैले। सैनिक कॉलोनी बनाने से लेकर कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के प्रस्तावों पर भी बवाल है। मतलब ये कोशिश है कि घाटी में लगातार ऐसी अशांति, ऐसा हल्ला बोल रहे जिससे केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा कुछ न कर पाए। घाटी के उग्रवादी तत्वों की कोशिश सीधे तौर पर मोदी सरकार और महबूबा भाजपा सरकार को बदनाम व फेल कराना है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी में सदारती ओहदे के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी पूरे यकीन में आ गई है कि वो अपना सदर जमहूरिया बना सकती है। पार्टी के माहरीन ज़राए का कहना है कि इस बार सदारती ओहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह वजीर आजम के ओहदे पर आरएसएस के स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वैसे ही मुल्क का पहला शहरी भी कोई स्वयं सेवक ही होगा। अमिताभ बच्चन से लेकर एनआर नारायण मूर्ति तक के नामों की कयासाराइयां बंद हो चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन का नाम मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में है। अगर पार्टी दलित सदर जमहूरिया बनाना चाहती है तो थावर चंद गहलोत का नाम है और पहले कबायली सदर जमहूरिया के इम्कान के तौर पर झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया जा रहा है। इससे पहले 2002 में बीजेपी ने मजबूरी में मुलायम सिंह यादव के सुझाए एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाया था। तब उसके पास 200 से कम रुकन पार्लियामेंट और तकरीबन 600 अराकीन असेंबली थे, लेकिन इस बार बीजेपी के 340 के करीब रुकन पार्लियामेंट हैं और अराकीन असेंबली की तादाद 1100 से ज्यादा है। सदारती इंतखाबात में वोट डालने वाले 4800 से कुछ ज्यादा मेंबरान होते हैं। इनके वोट की कीमत 11 लाख के करीब होती है। इसमें से बीजेपी के पास 5 लाख के करीब वैल्यू वोट हैं। आइंदा साल जुलाई में सदारती इंतखाबात से पहले जिन सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं उनमें एक उत्तर प्रदेश भी है, जहां बीजेपी के अभी सिर्फ 41 रुकन असेंबली है। पार्टी रहनुमाओं को हर हाल में ये तादाद 3 डिजिट में जाने की उम्मीद है, इसलिए आइंदा साल तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये एक अहम सवाल है कि अब आगे कमलनाथ को क्या मिलेगा। वो मौजूदा ऐवान ज़री के सबसे सीनियर रुकन पार्लियामेंट हैं। जब वो 9वीं मरतबा छिंदवाड़ा से जीत कर आए और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमटी तो उनको उम्मीद थी कि उन्हें ऐवान में कांग्रेस का रहनुमा बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को रहनुमा बना दिया। तब से इस बात की बहस थी कि कमलनाथ नाराज हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने राहुल गांधी को कौमी सदर बनाने की जमकर वकालत की, जिसकी वजह से उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और पंजाब का चार्ज मिला, लेकिन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बनते ही वो निपट गए। उनके खिलाफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल की ऐसी मुहिम चली कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के माहरीन ज़राए का कहना है कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुखालिफ खेमे ने भी उनके खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक अमरिंदर सिंह से करीबी की वजह से कमलनाथ को इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन कई रहनुमा इसमें साजिश भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ पर सिख मुखालिफ दंगों में शामिल होने का इल्जाम पुराना है। सबको पता था कि उनको इंचार्ज बनाने से तनाजा होगा, फिर भी उनको पंजाब का जिम्मा दिया गया। कहीं इसका मकसद उन्हें हाशिए पर ही डाले रखने का नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में उनके मुखालिफ इससे काफी खुश हैं। हालांकि कमलनाथ के करीबियों का कहना है कि अब वो मध्य प्रदेश के सदर बनकर सूबे की सियासत में लौट सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करेगी जिससे सब हैरान रह जाएंगे। पार्टी के माहरीन जराए का कहना है कि नए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर के आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में गांधी खानदान का किरदार बढ़ाया जाए। आजाद भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी का चेहरा नहीं बनती हैं तब भी अमेठी और रायबरेली से बाहर निकलकर पूरे सूबे में तशहीर करें। लेकिन अहम सवाल ये है कि प्रियंका किसके लिए तशहीर करेंगी, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। जैसे जैसे प्रियंका के मुतहरिक होने की खबर आ रही है वैसे वैसे बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी की अपनी पार्टी से दूरी बढ़ने की खबर भी आ रही है। इलाहाबाद में बीजेपी के कौमी मजलिस आमला के दौरान वरुण के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने वाले कारकुनान को पार्टी ने नोटिस दिया है और बताया जा रहा है कि पार्टी सदर अमित शाह की तरफ से तलब किए गए इजलास में वरुण गांधी शामिल नहीं हुए। इसी बीच ये भी खबर है कि प्रशांत किशोर ने उनसे रابطہ कायम किया है, यानी किसी न किसी सतह पर कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि वरुण को साथ लिया जाए। अभी सूबाई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उमेश पंडित ने बाजाब्ता तौर से कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में वापस लाया जाए। मेनका और वरुण गांधी ने इस मसले पर खामोशी अख्तियार की हुई है। तभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मरकज में वजीर का ओहदा हासिल करने के लिए ये दबाव की सियासत की जा रही है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दिए गए दो हलफनामों और गायब दस्तावेजों के बारे में हुए नए खुलासे के बाद साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों के गायब होने के मामले में फर्जी तनाजा खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के हवाले से कहा है कि इससे एनडीए हुकूमत की तरफ से खड़ा किया गया फर्जी तनाजा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस खबर से ये सीख मिलती है कि छेड़छाड़ करके तैयार की गई रिपोर्ट भी सच्चाई छुपा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि असली सवाल ये है कि इशरत जहां का इनकाउंटर असली था या फर्जी। गौरतलब है कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वजारत दाखला की एक रुकनी तफ्तीशी कमेटी के सरबराह बी के प्रसाद ने गवाह अशोक कुमार को सिखाया और पढ़ाया और उससे मन के मुताबिक जवाब लिया। अखबार का दावा है कि उसके पास इसका ऑडियो टेप है, हालांकि वजारत ने दोनों के बीच ऐसी कोई बात होने से इनकार किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मफाद में पंजाब के इंचार्ज के ओहदे से इस्तीफा दिया है। कमलनाथ ने कल अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेजा था जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। कमलनाथ ने आज कहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि इस बहाने सूबे के असली मसलों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा था। गौरतलब है कि उन पर 1984 के सिख मुखालिफ फसादात में शामिल होने के इल्जाम आयद हैं और उन्हें इंचार्ज बनाए जाने के बाद अकाली दल बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने यह मसला उठाते हुए उनकी मुखालफत की थी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल ने भी उनकी मुखालफत की थी। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि गिल काबीना में उनके साथ वजीर थे लेकिन उन्होंने पहले कभी भी यह मसला नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में वजारत आलिया के दावेदार के तौर पर पेश कर सकती है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस के इंतखाबी मुशीर प्रशांत किशोर ने राहुल और प्रियंका गांधी के बाद सीएम के ओहदे के लिए तीसरी पसंद के तौर पर शीला दीक्षित का नाम सुझाया था। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के कन्नौज से रुकन पार्लियामेंट रह चुकी है। वो उत्तर प्रदेश के सीनियर रहनुमा आ जहानी उमा शंकर दीक्षित की बहू है। पार्टी के नए बनाए गए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि पार्टी किसी आजमाए हुए चेहरे को सीएम दावेदार के तौर पर पेश कर सकती है। हिंदुस्तान के एनएसजी में शामिल होने के मसले पर अपनी मुखालफत मंजरेआम लाते हुए चीन ने कहा है इससे जुनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। चीन ने कहा है कि एनएसजी में हिंदुस्तान का दाखिल होना जुनूबी एशिया में हिकमत अमली पर मबनी तवाजुन को हिला देगा और साथ ही इससे पूरे एशियाई खत्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बहरान के बादल मंडराने लगेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में शाये किए गए एक मजमून में कहा गया है कि हिंदुस्तान को दाखिला मिला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एटमी तवाजुन बिगड़ जाएगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि चीन हिंदुस्तान के दाखिले का खैर मकदम करेगा बशर्ते कि वो उसूलों के मुताबिक हो। पंजाब में नशीली दवाओं के मामले पर बनी मुतनाजा फिल्म उड़ता पंजाब पर पाबंदी आयद करने से अदालत उज़्मा ने इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद फिल्म के कल रिलीज होने का रास्ता साफ हो चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फिल्म को एक कट और एक नए ऐलान के साथ रिलीज करने का हुक्म दिया था। उसके बाद इस फिल्म के रिलीज पर पाबंदी आयद करने के लिए अदालत उज़्मा में दो अर्जी दायर की गई थी। अदालत ने इन दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि अर्जी गुजारों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। सेंसर बोर्ड ने इसमें 13 सीन काटने का मशवरा दिया था। तब फिल्म साजों ने इल्जाम आयद किया था कि बीजेपी और अकाली दल के दबाव में बोर्ड के सरबराह पहलाज निहलानी ने यह फैसला किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की समस्या यह है कि उन्हें घाटी के मूड के अनुसार अपने को लोकप्रिय बनाना है। उस नाते उनके राजकाज में नई साहसी पहल नहीं है। घाटी में न तो सुरक्षा नजरिए से कोई सटीक पहल होती दिखती है और न ही राजनीतिक रूप से वहां संवाद या मेल मिलाप की कोशिश है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों जम्मू कश्मीर के हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोनों का मानना है कि सूबे में सब कुछ ठीक चल रहा है। बरसों बाद कश्मीर में कुंभ लगा और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा की। इतने से ही बीजेपी और टीडीपी के रहनुमा मान रहे हैं कि हम आहंगी बहाल हो रही है, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। इस तरह की चीजों से सियासत तो जुड़ती है, लेकिन सिक्योरिटी की फिक्र हाशिए में चली जाती है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों एक के बाद एक ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे बदअमनी फैलने के इशारे मिले हैं। गुज़िश्ता 6 महीने में सिक्योरिटी दस्तों पर दहशतगर्दाना हमलों के वाकयात बढ़ गए हैं। एक दिन पहले बुध को भी दहशतगर्दों से मुठभेड़ में एक फौजी अहलकार शहीद हुआ। इसी तरह जम्मू कश्मीर की पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले बढ़े हैं। इसे लेकर साबिक वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला ने फिक्र का इजहार किया था। आमतौर पर दहशतगर्दों के निशाने पर मरकजी सिक्योरिटी अहलकार होते हैं, सूबे की पुलिस पर हमले नहीं होते थे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों कई हमले हुए हैं जिनमें पुलिस अहलकार जांबहक हुए हैं। सिक्योरिटी दस्तों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने वाले दहशतगर्दों के जनाजे में भीड़ वैसे ही उमड़ रही है जैसे 90 की दहाई में उमड़ती थी। अहलादगी पसंद तंजीमों के मुजाहरों में भी इजाफा हुआ है। तभी गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक को हिरासत में लेना पड़ा था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के शिद्दत पसंद ग्रुप के सरबराह सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद करना पड़ा था। हुर्रियत का नर्म रवैया रखने वाला ग्रुप भी गुज़िश्ता कुछ वक्त से सरगर्म हुआ है। दरअसल कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद से वादी में मुतहर्रिक अहलादगी पसंदों और सरहद पार से हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करने वाली तंजीमों की बेचैनी बढ़ी है। वो किसी तरह से इस जमहूरी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अहलादगी पसंद तंजीमें बार बार ये कह रही है कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी और आरएसएस के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उनकी इस तशहीर से महबूबा भी बैकफुट पर है और कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती है जिससे वादी कश्मीर के आम मुसलमानों के दरमियान ये मैसेज जाए कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। उनकी इस पसोपेश से भी कश्मीर के हालात बिगड़े हैं। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि वादी में अब सिर्फ गिने चुने दहशतगर्द बचे हैं, उन्हें मुकामियों की हिमायत मिलना बंद हो गई है, लेकिन अब फिर सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को वादी में मदद और हिमायत मिलने लगी है। अहलादगी पसंद तंजीमों के रहनुमा उन्हें हिमायत दे रहे हैं। वो पीडीपी के बीजेपी के साथ जाने से बेचैन हुए हैं और अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सिक्योरिटी मुशीर मान रहे हैं कि कश्मीर में फिर से तशद्दुद का दौर लौट सकता है। इसकी एक वजह चीन और पाकिस्तान की बेचैनी भी है। ये दोनों मुल्क हिंदुस्तान को कश्मीर में उलझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतों को इसके लिए मुस्तैद रहना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के हालातों की केंद्र सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। मोदी सरकार कश्मीर को महबूबा सरकार या भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जम्मू कश्मीर में हालात बदल पाएंगे, उसे मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे, तभी देश में राष्ट्रवादी इमेज की हवा बनेगी या बिगड़ेगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में अशांति की कुछ लहर सी बनती हुई वापस लगती है, जैसे पिछले सालों में, पिछले दशकों में जो कुछ एक दो अशांति की जो लहर बनी थी उस तरह की कुछ हलचल है। आपकी क्या, आपका क्या मानना है? एक कश्मीर घाटी में अशांति तो है ही थोड़ी बहुत, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल रहती है, अलगाववादियों का भी अपना जोर है, पर कोई ऐसी विशेष बात हो जिससे कि सिचुएशन फिर उस तरह की हो जाए जिस तरह 2008 में थी, जब उससे पहले एक दो मौकों पे आई, ऐसा लगता नहीं है। और जहाँ तक अभी के वाक्यों का, कुछ घटनाएं हुई, बड़ी गंभीर घटना हुई, पुलिस वालों पे भी हमला हुआ और श्रीनगर में बड़ी देर बाद एक वाक्य हुआ आतंक का, और बीज बिहाड़ा जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री का खुद का इलाका है, वहाँ भी एक दो बार घटनाएं हुई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जे कोई एक दौर सा चल पड़ेगा। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में काफी संख्या में
हथियार हैं, अभी भी हैं और मिलिटेंसी भी है। नहीं, और ये भी कि सीमा पार के आतंकियों को वापस पनाह मिलने लगी, ये भी कुछ है क्या संकेत? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने पठानकोट हमलों के बाद ये इस तरह की इंडिकेशन दी कि वो अपने पंजाब इलाके में, और खासकर जब उनके जहां लाहौर में जो पार्क में 70 से भी ज्यादा लोग मारे गए बम ब्लास्ट, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पंजाब में भी मिलिटेंसी को खत्म कर देंगे। पंजाब में मिलिटेंसी अगर पाकिस्तान खत्म करता है अपने पंजाब में, तो उससे भारत को बड़ा फायदा होता है। पर अफसोस से पंजाब में पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, जैश मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कोई ऐसा काम किया नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन ये कश्मीर में आतंक फैलाती हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। यही नहीं, उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों में भी आतंक फैलाया, जिस तरह की जग जाहिर है। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो नए नए नामों से वो बैन करते हैं, लेकिन नामों से वो उभर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में क्या वहां से आवाजाही कुछ बढ़ने के संकेत ऐसे कुछ हो सकता है? उसके लिए तो वो पहले भी चल रहा था, अब भी होगा, पर उसमें कोई ऐसी कोई अनयूजुअल सी बात हो नहीं, अभी तक नहीं, 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 नहीं। लेकिन जैसे एक लड़की को छेड़ने की घटना पर इतना तुल हुआ पूरे कश्मीर घाटी के अंदर, वो काफी जो उस पर उथल पुथल हुई, जो हुई, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जिस तरह तुल पकड़ रही है उग्रवादी, जिस तरह की जैसे ये कैंटोनमेंट के या सैनिक कॉलोनी को लेकर है या पंडितों को बसाने को लेकर छोटी छोटी बातों को तुल देकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि महबूबा सरकार और भाजपा के साथ जो साझा सरकार है उसको फेल करना और माहौल बिगाड़ना पूरा यही एक मकसद हो गया? देखिए, ये घटनाएं छोटी नहीं है। जब आप एक लड़की को छेड़ने का मामला हो जाए तो उसमें बड़ा जरूरी है कि तथ्य और अफवाह को एकदम से अलग अलग किया जाए। अफवाहें एकदम फैला देते हैं, माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कई बार की बात बड़ी फैलती है और ये बड़े गंभीर मामला समझा जाता है, और जब तक पूरी बात स्पष्ट है तो काफी नुकसान भी हो जाता है। और जहां तक सैनिक कॉलोनी और पंडित समुदाय के लिए अलग से कॉलोनी बनाने की व्यवस्था, ये भी वहाँ गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि मेरा खुद भी मानना है कि पंडित समुदाय के लिए अलग से कॉलोनी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सामाजिक बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इसके विचार ही आते ही अगर कोई बसाने का वो ही आए तब भी भड़कने के अंदाज में जिस तरह रिएक्शन होता है वो ये नहीं कि माहौल बिगाड़ने की बात है। नहीं, पर ये है, इसके कारण है, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है कि अलग अलग क्यों रहे। आपके अनुसार ये क्या इस कारण नहीं कि घाटी में कोई सियासी पहल सरकार को करनी चाहिए या कोई डायलॉग करना चाहिए या किस तरह न होने के कारण ये हो रहा है सब? एग्जैक्टली यही बात मुख्य बात है कि जो मुख्य धारा के दल हैं, खासकर इस वक्त पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अगर जब मिलके चले ठीक ढंग से तो फिर जे एक अच्छी चुनौती इन तत्वों को दे सकते। इसके लिए कोई एक पहल होनी चाहिए कि चारों मुख्य धारा की पार्टियां एक मिलकर कोई रणनीति बना के काम करें। बिल्कुल, और जो सत्ताधारी दल है और उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है, खासकर इस वक्त भाजपा पे बड़ी जिम्मेवारी है। पर भाजपा के प्रदेश नेता, भाजपा का घाटी में कोई नहीं, लेकिन भाजपा के प्रदेश नेता या कमान वाग के जो नेता है वो कुछ इस घाटी के हालात को सुधारने का कुछ राजनीतिक कुछ सोच रखते हैं, कुछ सोच रहे हैं नहीं क्या? ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जी कि वो कुछ सोच रहे हैं। वो पीडीपी के साथ मिलके चल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन की कमी तो इसमें विधानसभा सत्र में ही नजर आ रही है, तो उनको कुछ गंभीरता पूर्वक बैठ कर करना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बड़े ढंग से उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान और सीरिया के हालातों से सबक लेना चाहिए, मुस्लिम समुदाय को अपील करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। लेकिन घाटी में जो उग्रवादी तत्व है या बाहरी तत्व है वो इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सचमुच में अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, क्या ट्रेंड क्या है? उनकी कोशिश है कि वो इकट्ठे हो जाए फिर। अच्छा, यासीन मलिक, सईद अली शाह गिलानी साहब, मीर वाइस, ये सारे मिल रहे हैं, इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं और इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, पर फिलहाल कुछ मुद्दों पे उनमें नहीं पर एका है। पर वो उनमें जो एका या उनमें जो कोशिश है वो इस सरकार की बदौलत है या वैसे ही पूरा पुराने डर्रे के कारण? वो तो उनके अपना सोच के मुताबिक है, सोच के पर उनको कोई चुनौती अभी तक मुख्य धारा की पार्टियों ने दी नहीं है, इस कारण उनको वो और वो राजनीतिक स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे तो उन्होंने किया है कि जो भी तत्व हैं जो इनको ये समझते हैं कि वो सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ करेंगे उनको घरों के बाहर नहीं निकलने देते या उनको जेल में ठोक दिया है, पर वो काफी नहीं है। आपको तो राजनीतिक चुनौती को राजनीतिक ढंग से ही
उसको मुकाबला करना पड़ेगा। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter.com/nayaindianewspaper पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।